नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आप सभी का स्वागत करता हूँ ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं और इस ग्लासेस के लेंस में कुछ प्रिंट है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा करीब ले जाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट, ये प्रिंट जो होता है जब आप नया फ्रेम परचेस करते हैं तो ये डेमो लेंस के साथ ये प्रिंट आपको कंपनी के लेंस का नाम जो है लिखा हुआ मिलता है। कई बार क्या होता है कि हमको किसी प्रकार का पावर नहीं यूज करना है या कुछ भी यूज नहीं करना, बस थोड़ा स्टाइल के लिए अगर आप ग्लासेस यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इसी डेमो लेंस को यूज करें और साथ में ये भी चाहते हैं कि हम इस डेमो लेंस को लिखा हुआ प्रिंट को हटा सकें तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल, आज मैं इसी ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रिंट को कैसे हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही सफाई के साथ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि आप इसको कैसे हटा सकते हैं और इस ग्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप ये डेमो बहुत ही कम समय के लिए यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लेंस जो होता है उतने अच्छे नहीं होते, ज्यादा समय के लिए यूज करने के लायक नहीं बनते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि इमरजेंसी में ही इस फ्रेम को निकाल के यूज करें, और नहीं अगर आपके पास शॉप है आपके आस पास या आप चेंज कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डेमो को हटाकर एक प्रोटेक्शन लेंस का यूज करें। ओके फ्रेंड, जैसा तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास फ्रेम है और आप चाहते हैं कि उसका जो प्रिंट हम निकाल सकें तो ये कितना अच्छा होगा इसको लगाने में, और अगर आप इसको यूज करेंगे तो लेंस बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ज़रूरत है एक थिनर की। ये एक नॉर्मल थिनर है जो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये मार्केट में आपको आसानी से 15-20 रुपये में मिल जाएगा। और आपको चाहिए एक साफ क्लॉथ, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें किसी प्रकार के दाग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसका दाग जो है आपकी लेंस को खराब कर सकता है। ठीक है, अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं कि हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। इसके लिए कुछ ट्रिक की जरूरत होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम बॉटल को ओपन कर लेते हैं और बहुत ही थोड़ा सा इस टाइप का अपनी उंगली को रोल कर लीजिए क्लॉथ से, और बहुत ही थोड़ा सा इस तरीके से आपको थिनर निकालना है। और थिनर निकालने के बाद इस प्रिंट के ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ आपको इसको रफ करना है, और बिल्कुल वहीं पे करना है जहाँ पे ये प्रिंट है। तो चलिए जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, ये इस तरीके से, और ये बहुत ही आसानी से नहीं निकलता है, थोड़ा सा इसमें कंटिन्यू बड़ी फास्ट आपको इसमें रगड़ पैदा करना होता है ताकि ये हल्की सी गर्मी के कारण और इस थिनर के कारण जल्द से जल्द ये आपके लेंस में बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाए। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू बहुत ही फास्ट तरीके से रगड़ते जाना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ से आपका जो प्रिंट है वो एकदम सफाई से साफ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लेंस में किसी प्रकार का और कोई स्क्रैच या दाग नहीं आया है। अब आपको क्या करना है, आप अपने क्लॉथ को देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारा डस्ट यानी कि उसका जो कलर है वो यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर दूसरी जगह से पकड़ना है जहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो, और फिर से एक बार आप अपने थिनर को हल्का सा ही यूज करना है, और यूज करने के बाद फिर से वही प्रोसेस बहुत फास्ट और थोड़ा दबा कर, और जैसे ही आपको लगे कि सारा प्रिंट जो है निकल चुका है तो आप बिल्कुल अपने क्लॉथ को हटा दीजिए, और इस तरीके से आप अपने लेंस के प्रिंट को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं और बिल्कुल किसी भी प्रकार का दाग आपके लेंस में दिखाई नहीं देगा। तो ये वो ट्रिक है दोस्तों जिसकी मदद से आप अपने लेंस के प्रिंट को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका कपड़ा जो है क्लॉथ जो है एकदम साफ होना चाहिए पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप रफ करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से करनी है और वहीं पे करनी है जहाँ पे प्रिंट हुआ है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आप लेंस में अगर जो आपका थिनर जो है वो कहीं और इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि गिरने से इसकी कोटिंग जो है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी फ्रेम के प्रिंट को। ओके फ्रेंड, तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों लगा है तो लाइक करें और इसको शेयर कर दें ताकि और भी हमारे दोस्तों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।